गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो अभी हम लोग यहाँ से अपने होटल का चेकआउट कर लिया है, तो अभी हम लोग यहाँ से पटाया से फुकट जाने वाले थे। तो बट हमारे आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग पटाया में हो, अगर फुकट जाना है आपको बस से, तो आप लोग को एक ही दिन बस मिलती है, वो भी फ्राइडे के दिन। बाकी दिन यहाँ पर आपको बस नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही दिन चलती है फ्राइडे के दिन। तो ये चीज़ हमें पता नहीं थी। तो अगर पटाया से आपको अगर अभी फुकट जाना है, तो उसके लिए आप लोग को एक ही ऑप्शन है कि आपको बैंकॉक से बस मिलेगी। तो अभी हम लोग ने अपना होटल चेकआउट कर लिया, अभी यहाँ से हम लोग बैंकॉक के लिए निकल रहे। तो अभी पटाया से हम लोग अपने जो होटल से हमारा बस स्टॉप है वो कुछ 1 किलोमीटर के आसपास था, वॉकिंग में 10-15 मिनट लगा हमें चल के आने में। तो हम लोग पहुँच गए बस स्टॉप पे, और आप लोग को बता दूँ यहाँ से हमें टिकट मिली है 190 बात की पटाया से बैंकॉक के लिए। और यहाँ पर आप लोग को बेल सर्विस करके आप लोग को मिल जाएगा, देख सकते हो आप लोग एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट बस। तो हम लोग ने 190 बात का 190 बात का हम लोग ने टिकट ले लिया, और ये हमें वेटिंग रूम मिल गया है, पूरा एसी कंडीशन है। और बस 3 बजे की है, तो अभी तक बस आई नहीं। आप लोग को बस भी दिखा देता हूँ कैसी रहेगी, फुल एयर कंडीशन तो रहेगी बस। तो अभी बस का वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ से बैंकॉक के लिए निकलेंगे, फिर बैंकॉक से हम लोग फुकेत के लिए बस पकड़ेंगे। तो आप लोग को पूरा बताऊँगा डिटेल में, तो आप लोग स्टार्टिंग से बने रहना। और ये हमारी बस आ चुकी है, अभी इसके अंदर चलते हैं। आगे चलना पीछे। तो अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं, और ये बस 3 बजे यहाँ से निकलेगी पटाया से बैंकॉक के लिए। तो और एक चीज़ आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है इस बस में, अगर आप लेते हो तो, क्योंकि 5,000 फाइन है, 5,000 बात फाइन है यहाँ पर। तो अभी हम लोग ने सीट बेल्ट वगैरह सब लगा लिया, और निकलने के लिए 5 मिनट बचा है हमारा, और सीट भी एकदम कम्फर्टेबल, एकदम रिलैक्स, आराम से फैला के बैठ सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं बैंकॉक के लिए, फिर वहाँ पे आप पहुँच के आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग फुकेट के लिए बस ले सकते हो। तो आप लोग जब तक इस वीडियो को एंजॉय करें। आप लोगों को बता दूं बैंकॉक से आप लोगों को बस नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को बैंकॉक के अंदर आना होगा, एयरपोर्ट पे आपको बस नहीं मिलेगी। तो हम लोग ने टैक्सी लेके बस स्टॉप पे आए थे, मुची बस स्टॉप है, तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर बस लास्ट, आप लोगों को बता देता हूँ मैं, 6 बजे की लास्ट बस होती है फुकेत के लिए। तो आप लोग जितना हो सकता है जल्दी आने की कोशिश करें। तो हमें बस तो नहीं मिली, तो हम लोग एक मिनी वैन है, तो उससे जा रहे हैं, अभी मिनी वैन से निकल रहे हैं यहाँ से। उसकी टिकट है 1150 रुपये करके बात, 1150 बात की एक टिकट पड़ी हमें, तो वही पकड़ के 9 बजे की भी बस, मिनी बस है, उससे हम लोग निकल रहे हैं। तो चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ वो मिनी बस भी कैसी है यहाँ पर। तो जितना हो सकता है आप लोग 6 बजे यहाँ पर पहुँच जाए, लास्ट 6 बजे की बस है, उसके बाद आपको बस नहीं मिलेगी। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फुकेत के लिए। तो आप लोग मुचित बस स्टॉप पर आओगे, जैसे मुचित बस स्टॉप पे आप आओगे, तो यहाँ पर आप लोग को 21 काउंटर नंबर 1 पे जाना है। तो वहाँ से आप लोग को फुकेट के बस की टिकट मिल जाएगी, और बस का प्राइस है 800 रुपीज़। तो और 6 बजे तो यहाँ पर लास्ट बस टाइम है इसका, इसके बाद सीधा मॉर्निंग में आपको 6 बजे के लिए बस मिलेगी। तो हम लोग फ़िलहाल यहाँ से 9 बजे की मिनी बस एक होती है लोकी, तो वो बस से अभी जा रहे। तो हम लोग ने इसका प्राइस है 1150 बात की है, तो उससे ही हम लोग अभी पे करके निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ फिर मिनी वैन कैसी और कब पहुँचेंगे हम लोग, आपको बता देता हूँ। वो भी हम लोग मॉर्निंग में कुछ पहुँच जाएंगे सुबह के 6-7 बजे तक, यहाँ से कुछ 13-14 घंटे का रास्ता है बस से। तो वैन से तो हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा मिनी वैन से, तो देखते हैं मॉर्निंग में कितने बजे पहुँचते, फिर आप लोगों को बताता हूँ मैं।
और ये हमारा पहला स्टॉप है, पेट्रोल पंप है यहाँ, और खाने पीने के लिए रुकाया गया है, वॉशरूम वगैरह के लिए, और 20 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है। और हमने बाहर से यहाँ से कुछ खाने को पानी की बोतल और कुछ ले लिया है, और ये 20 मिनट तक यहाँ पर रुकी है, फिर अभी यहाँ से निकल रही है फुकट के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है, और पीछे आप लोग देख सकते हो हमारी कैब है, आप लोग को दिख गई, तो इसी कैब से हम लोग जा रहे हैं फुकट। तो आप लोग बने रहे और व्यू का मज़ा लेते रहे। गुड मॉर्निंग पब्लिक, तो अभी बज रहे सुबह के 8 और अभी हम लोग है सूरत तानी बस टर्मिनल पर। तो आप लोग को बता दूँ, बैंकॉक से जब आप लोग मिनी बस पकड़ के निकलते हो, जो हमने पकड़ी थी मिनी वैन, तो आप लोग को यहाँ पर सूरत तानी बस टर्मिनल पर उतार देते हैं। तो हमारे साथ 8-9 जन थे, सब यहीं पर रुके हुए हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी आधा घंटा तो हमारे को हो चुका है बस के वेट के लिए। अभी कौन सी बस आती है, वही सेम मिनी वैन रहती है या कुछ और रहती है, क्योंकि अभी यहाँ से फुकेट के लिए 3 घंटा और दिखा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर उतर कर नाश्ता वगैरह कर सकते हो, यहाँ पर अभी हमें आधा घंटा हो चुका है, तो और वेट करते हैं कितना टाइम लगता है, देखते हैं। और आपको एक चीज़ बता दें, तो बैंकॉक से जब आप लोग आओगे तो आप लोग को वॉशरूम का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मिनी वैन जो रहती है वो हर टाइम आप लोग को जो पेट्रोल पंप होता है वहाँ पर रुकती है, और वहाँ पर 7-Eleven भी आप लोग को मिल जाता है कि नाश्ता उश्ता करने के लिए, रात का डिनर विनर जो भी करना है आप लोग कर सकते हो। तो हम लोग के रात से 9 बजे से निकले हम लोग, और अभी सुबह 8 बज रहे, तो हम लोग को 6 बार पेट्रोल पंप पर रुकी थी, 7-Eleven भी था वहाँ पर, तो जिसको जो नाश्ता करने रहता है वो कर सकता है, उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वॉशरूम के लिए और खाने पीने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, मिनी वैन हर पेट्रोल पंप पे रुकती है। तो आपको इतना बता देता हूँ मैं, और यहाँ से अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है निकलने के लिए, और कौन सी मिनी वैन आती है, उसके चार्जेस है कि नहीं वो भी आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोग मिनी वैन से अगर बैंकॉक से फुकेट के लिए जाते। तो वेट करते देखते आता है तो आपको मैं आगे डिटेल में बताता हूँ सब। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फुकेट बस स्टेशन पे पहुँच गए, तो यहाँ पर आने के लिए हमें कितना टाइम लगा आप लोग को बता देता हूँ। तो सुबह के 9 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे सूरत तानी बस स्टॉप से, और अभी ये फुकेट बस स्टॉप पे आके हमको 3:30 बज गया है, तो इतना टाइम लगा हमें आने के लिए। और आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग बैंकॉक से फुकेट डायरेक्ट जो मिनी वैन में आओगे, जैसे जिसमें हम लोग आए थे, तो आप लोग को सूरत तानी में उतार देगी, उसके बाद आपको अलग से बस पकड़ना होगा। तो हम लोग के साथ यही हुआ, हमें पता नहीं था, हमें लगा डायरेक्ट फुकेट बस स्टॉप के पास छोड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। तो वहाँ से आपको सूरत तानी से फिर बस पकड़ना होगा। तो आप लोग पीछे पिंक कलर की बस देख सकते हो, इस बस से हम लोग आए थे, इसका 80 बात एक जन का लिया गया है, तो हम 2 जन थे, तो 160 बात दे के हम लोग आए वहाँ से डायरेक्ट 9 बजे से लेके अभी यहाँ पर 3:30 बजे ये टाइम पर हम पहुँचे। तो इतना डिफरेंस लगा हमें आने के लिए टाइम, इतना टाइम हुआ हमें। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आप लोग डायरेक्ट मिनी वैन पकड़ के आओगे तो आप लोगों को वही सूरत थानी में उतार देगा। तो इससे अच्छा आप लोग डायरेक्ट बैंकॉक से फुकेट के लिए डायरेक्ट बस पकड़ सकते हो, जो आपको 800 बात में मिल जाती है, और वो डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर छोड़ देगी। तो अभी चलते हैं यहाँ से हम अपने होटल के लिए। तो आप लोग यहाँ पर टैक्सी का फेयर देख सकते हो, जिधर जाना है आप लोग को उतना अमाउंट है, और यहाँ पर मोटरसाइकिल का अमाउंट आप लोग को दिख जाएगा कितना है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दोनों का फेयर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग ने फुकेट से बाहर निकल गए बस टर्मिनल से, और हमने कैब बुक कर ली है, और ये हमारे होटल पहुँचाने में 1 घंटा लगेगा, कुछ 30 किलोमीटर है हमारे यहाँ से होटल बस स्टॉप से, फुकेट बस स्टॉप से। तो अभी कैब बुक कर लिया, इसका प्राइस हुआ है 500 बात, और वहाँ पे टैक्सी भी अवेलेबल है, बट अगर आप लोग टैक्सी लोगे तो उसका भी 500 बोल रहा था। हम लोग बोले इससे अच्छा कैब ही बुक कर लेते, डायरेक्ट होटल के सामने हमें छोड़ देगा, और टैक्सी इतनी खास नहीं थी, इसकी वजह से हम लोग ने टैक्सी नहीं लिया। तो अभी चलते हैं हम लोग डायरेक्ट सीधा अपने होटल की तरफ, और आप लोग को होटल दिखाते हैं कैसा है हमारा। आपको रूम दिखा देता हूँ, ये है वॉशरूम, आप लोगों को इस तरह का वॉशरूम मिलेगा, ये है वॉशरूम, और यहाँ पर आपको पानी की बोतल और बाकी सब कॉफ़ी वगैरह मिल जाता है,
और ये एक LG की टीवी, और आपको यहाँ पर नीचे मिनी फ्रिज मिल जाता है, और ये किंग साइड बेड आप लोगों को मिलेगा, और ये आपको यहाँ पर लॉकर मिल जाता है कमरा कपड़े उपड़े रखने के लिए। इसमें इसमें एक छोटा सा लॉकर भी आप लोगों को मिल जाता है, और ये है हमारी छोटी सी बालकनी, तो आप लोग देख सकते हो ये बालकनी, और सामने आपको इंडियन फूड भी मिल जाता है, और बाहर का इस तरह का व्यू। और अभी हो रही है बारिश, आप लोग देख सकते हो, तो सामने आप लोगों को इंडियन फूड भी मिल जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अपने होटल में पहुंच गए, तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, फिर अभी कहीं भी निकलते तो आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर और क्या क्या बहुत सारी फेमस जगह। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करते रहे, तो और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताना कमेंट सेक्शन में, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। इसी की तरह आप लोग के लिए रोज़ मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।